हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कोटा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के लगभग सभी के एग्जाम फॉर्म है वो दोस्तों भर चुके हैं। आपने एग्जाम फॉर्म अपना भर दिया होगा। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है कोटा यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया है। तो दोस्तों, अब सभी छात्रों को ये चिंता है कि उनकी परीक्षाएं कब होगी। इस बार फर्स्ट ईयर में तो सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, उनको साल में 2 बार परीक्षाएं देनी होगी। अभी तक एक बार भी परीक्षा नहीं हुई है, तो सबसे ज़्यादा चिंता तो उन्हीं लोगों को है कि हमारी परीक्षाएं कब होगी। और जो एनुअल स्कीम के स्टूडेंट है, यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, बीए बीएससी या फिर एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उनकी परीक्षाएं कब होगी, आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे कोटा यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 18,000 से ज्यादा लोग दोस्तों वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोटा यूनिवर्सिटी का ग्रुप है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको जो भी न्यूज आएगी वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये कोटा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो न्यूज है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसमें कुलपति ने क्या कहा था कि परीक्षा कब तक होगी। तो दोस्तों, कोटा विश्वविद्यालय में करीब 2,60,000 से अधिक विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं, जिसमें यूजी पीजी से लेकर सेमेस्टर सहित अन्य परीक्षाओं के आवेदन शामिल है। दूसरी ओर से परीक्षा विभाग ने अलग अलग कक्षाओं की डेट शीट तक जारी नहीं की है, जिससे विद्यार्थी चिंतित हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षाएं फरवरी से शुरू होगी अथवा मार्च में होगी, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली परीक्षाओं का कोटा सहित बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में भी विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि जारी होने का इंतजार है। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी लगभग आपके 10 से 12 मार्च के आसपास आपकी परीक्षा है वो दोस्तों शुरू हो चुकी सकती हैं। पहले तो आपके जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जिसका नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस बार एग्जाम होने वाला है, तो पहले तो दोस्तों उनके एग्जाम होंगे, उनका जो टाइम टेबल आएगा। उसके बाद दोस्तों लगभग अप्रैल में दोस्तों जो एनुअल के स्टूडेंट हैं उनके मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आ सकती है, टाइम टेबल वगैरह आ सकता है कि उनकी परीक्षाएं दोस्तों बाद में होगी। पहले दोस्तों सेमेस्टर स्टूडेंट है उनकी परीक्षाएं होगी। बाकी जो बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम जिन्होंने एडमिशन पहले से ले रखा है, एनुअल स्कीम वार्षिक पद्धति में एडमिशन ले रखा है, तो उनके सेकंड ईयर थर्ड ईयर की परीक्षा है वो दोस्तों बाद में होगी। पहले दोस्तों परीक्षा है वो दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम में होगी और उनकी परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में दोस्तों शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक जो प्रवीण भार्गव या प्रोफेसर प्रवीण भार्गव, तो उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं के करीब 2,60,000 से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं, परीक्षाओं की डेट शीट की तैयारी की जा रही है, मार्च के दूसरे सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। और आपका टाइम टेबल है वो दोस्तों इसी वीक में, दोस्तों आज संडे हो गया है तो सोमवार जो नया वीक शुरू हो रहा है इसी वीक के अंदर अंदर दोस्तों आपका टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। होते ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, इसके उसको जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी टाइम टेबल आएगा दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। इसलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पास में दबा देना, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू जना दोस्तों, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।